इमरान खान ने सिंध की आवाम को हकीकी आज़ादी दिलवाने के लिए जल्द सिंध आने का ऐलान कर दिया। यह ऐलान उन्होंने कायदे हिजब इख्तलाफ सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख से जबान पार्क में मुलाकात के दौरान किया। इस मुलाकात के दौरान हलीम आदिल शेख ने सिंध की सियासी सूरत हाल और हकीकी आज़ादी मार्च तहरीक के हवाले से भी साबिक वजीर आजम को आगाह किया। इसी दौरान इमरान खान ने सूबे सिंध की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सिंध के लोगों को इस वक्त सबसे ज्यादा हकीकी आज़ादी की जरूरत है। 26 नवंबर को सिंध के लोग रावलपिंडी में मेरे साथ शामिल हों। हलीम आदिल शेख ने यकीन दहानी करवाई कि 26 नवंबर को सिंध के हर शहर और गाँव से काफिले निकलेंगे और बड़ी तादाद में रावलपिंडी पहुँचेंगे। सिंध के लोग तब्दीली के लिए इमरान खान के मुंतजर हैं। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी ज़िंदगी को ख़तरा हो गया, पहले उसको था, अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया है, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहे। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, अगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने बड़ी मुश्किल, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत आवाम के दुआओं की। इस हारे आसादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।